भोजपुरी से अश्लीलता को हटाने के लिए मगहिया जवान लगातार फेसबुक या यूट्यूब पे अपना जो एपिसोड लाते थे, आज हमारे साथ हुसैनाबाद की धरती पे हैं। आइए चलिए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। आपका तो सबसे पहले हुसैनाबाद की धरती पे स्वागत है। बहुत बहुत हुसैनाबाद के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम नमस्कार रहेगा, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का मौका आप दिए। लगातार आपके द्वारा अश्लीलता को भोजपुरी से हटाने की मुहिम चला रहे थे, तो आप उस पर क्या कहेंगे? आज जितना भी है, क्योंकि देखिए समाज में जिस प्रकार की आए दिन फुहड़ता और अश्लीलता फैल रहा था, तो लगा कि मुझे अगर कोई बोलने वाला नहीं है तो हमें आना चाहिए, हम युवाओं को, क्योंकि समय युवाओं का आ रहा है और डिजिटल मीडिया के जरिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया कि गलत चीज़ों का विरोध बहुत हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लोगों का समर्थन भी मिला और निरंतर ये जंग जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। एक बार बीच में ऐसा सुनने में आता कि आप उस चीज़ को खत्म करें, अश्लीलता को हटाने के लिए अपना एपिसोड आप बंद करने वाले थे, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने कि एपिसोड के जरिए हमने अनाउंस किया था, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी प्रतिद्वंदियों को भी, विरोधियों को भी देखना पड़ता है कि कौन से बयान से कितना खुश होते हैं। तो कभी कभी दीपावली में घर की सफाई जरूरी होता है, उसी प्रकार से वैसे विरोधियों को भी सफाई करने के लिए या फिर कितना कौन खुश होता है देखने के लिए हमने वैसा एपिसोड बनाया था। बाकी आजीवन बंद नहीं होगा, जब तक जीवित हैं जंग जारी रहेगा हमारा। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप पवन सिंह को नहीं टारगेट करते, सिर्फ खेसारी लाल यादव हो, टुनटुन यादव हो, संतोष रेणु हो, ये सब लोग को आप टारगेट करते हैं, पवन सिंह के ऊपर क्यों नहीं आप टारगेट करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात, टारगेट हम किसी को नहीं करते हैं। कोई हमारा सगा मौसेरा हो, मौसी के फुआ के लड़का हमारा है नहीं। कल देखिए पवन सिंह पर एपिसोड बना है, जो कल गाना है था आटा के लोई पिटोरी। आप लोग खेसारी लाल, एक बात बता, ज़्यादा जो गाएगा वही ना करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा जो मैला में रहेगा वही ज़्यादा महकेगा। पवन सिंह की वैसी कहानी नहीं, महीनों में एक दो गाना लाता है। अब जिसकी बात आप कर रहे हैं, कुछ लोगों का नाम लेने से भी चमक जाएगा, तो टुनटुन खेसारी के नाम ले जाकर देखिए, सर्च कीजिए कि सबसे ज़्यादा अश्लील किसका है। तो हम लोग तरीके से काम करते हैं। वो आटा का लोई का आया था गाना, देखिए 10 लाख प्लस लोगों ने देखा, हमने भी उसका विरोध किया है। अच्छा, भोजपुरी में सबसे अश्लील हीरो कौन है? किसी को नहीं कह सकते, सब अश्लील है। जब भोजपुरी है तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील है यार। सब सभी को क्यों नहीं टारगेट करते? सबको करते हैं, सब पे करते हैं। वो नाम बताइए जिसपे नहीं लाए हैं, है का वो नाम आपको यार? मिश्रा सबको अभी फिलहाल में एक दर्जन एपिसोड है, जाकर देखिए उसका। ऐसा कोई इंडस्ट्री के लोग हैं ही नहीं जिसको मैंने अब तक छोड़ा। अच्छा, आपके नज़र में भोजपुरी में सबसे अच्छा कौन एक्टर है? अच्छा कोई नहीं है, जो बेहतर गाता है सब अच्छा है, चाहे पवन हो या खेसारी हो या कोई भी हो, जो अच्छा गाता है उसको हम अच्छा कहते हैं, बाकी बुरा गाएगा तो बुरा भी। अभी कौन गा रहा सबसे अच्छा आपके नज़र में? सबसे बेस्ट हमारे नज़र में अभी अगर बात करें तो अंकुश राजा जी हैं, कल्लू है, रितेश पांडे है, सब बेहतर कलाकार हैं, दूर दूर तक के लोग विवाद से दूर रहते हैं, और गायकी की बात करें तो बहुत अच्छा गायकी करते हैं लोग। और एक्ट्रेस, सबसे अश्लील एक्ट्रेस कौन है अभी? सबसे अश्लील एक्ट्रेस की बात करें तो ऐसे तमाम एक्ट्रेस है यार, जिसका MMS भी वायरल हुआ है कि नहीं, तो ऐसे तमाम एक्ट्रेस हैं। और सबसे बेहतर की बात करें, अच्छा की बात करें, तो एक्ट्रेस में है आपकी अमरपाली दुबे, और एक्टर की बात करें तो निरहुआ सबसे एक्टर में सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, क्योंकि भोजपुरी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि विवाद में वो दोनों रहें, और लोग दुनिया अलग है, विवादों से दूर रहते हैं, कहीं बेवजह की बयानबाजी नहीं करते हैं, इसलिए बेस्ट हैं लोगों के लिए भी, इंडस्ट्री भी कहता है कि वो बेस्ट है। आपको अगर हुसैनाबाद के लोग और झारखंड के लोग देख रहे होंगे तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? विशेष देना चाहेंगे कि बहुत सारे मित्र थे, पोस्ट करके हम आए थे, शायद उनसे नहीं मिल पाए होंगे, हम तो माफ़ी चाहेंगे उनके लिए। बाकी हुसैनाबाद हो या झारखंड, भी किसी कोने की बात करें, भरपूर समर्थन और सहयोग मिलता है हमें भी। बाकी सबको नमस्कार प्रणाम रहेगा, आज आपके धरती पर हम बता कर आए थे, हज़ारों की संख्या में भीड़ है, मामा जी अजय सिंह बुनचुंग भाटिया जी हमारे गांव से होकर ही गुजर रहे थे, तो हम लोग साथ में चले आए थे, एक पारी का मैच हम लोग देखे हैं पूरा हाफ टाइम का, बहुत बेहतर लगा, और हुसैनाबाद के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम रहे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत